राजधानी के मालवीय नगर थाना इलाके में सीटू प्लाजा के सामने स्थित झालाना ग्राम में एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई है, जहां एक नकाबपोश बदमाश ने मां और दो बेटों की चाकू से रेत और गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी है। ताज्जुब की बात यह है कि जिस समय हत्यारा इस हत्याकांड को अंजाम दे रहा था, उस वक्त मकान की निचली मंजिल पर परिवार के सदस्य मौजूद थे, लेकिन उनको इसकी भनक तक नहीं लगी। वारदात की सूचना पर पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और FSL टीम को भी घटना स्थल पर बुलाया गया। टीम ने मौके से कई साक्ष्य जुटाए हैं और हत्यारे का एक CCTV फुटेज भी पुलिस के हाथ लगा है। बता दें, मालवीय नगर में हुए 13 हत्याकांड मामले में पुलिस ने पड़ोसी को नकाबपोश बदमाश के रूप में आइडेंटिफाई किया है। हत्या के पीछे सालों से चली आ रही रंजिश को बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार हत्यारा पड़ोसी सिर्फ महिला की हत्या करना चाहता था, लेकिन महिला की हत्या के दौरान दोनों बेटों की नींद खुल गई, जिसके चलते उसने दोनों बच्चों को भी मार गिराया। दरअसल नकाबपोश हत्यारा 3 मंजिला मकान की पहली मंजिल पर स्थित कमरे में चाकू और पिस्टल लेकर घुसा, जिसने कमरे में मौजूद 27 वर्षीय सुमन बिस्ट और उसके दो बेटे 5 वर्षीय जिव्यांश और 2 वर्षीय अव्यांश की चाकू से गोद और गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। वारदात के वक्त मकान में मृतका की ननद नेहा, पति चेतन और सास भी मौजूद थे। हत्यारा वारदात को अंजाम देकर मकान से नीचे उतर रहा था, उस समय गेट पर उसे नेहा ने धक्का देखा, तब उसे धक्का देकर मौके से भाग छूटा। इस दौरान हत्यारे की पिस्टल सड़क पर ही गिर गई। उसके बाद हत्यारा भागता हुआ मेन रोड की ओर फरार हो गया। वारदात की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मां व दोनों बेटों को नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंची, जहां चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। वारदात की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी और FSL टीम भी मौके पर पहुंची। फिलहाल हत्यारों को आइडेंटिफाई करने और वारदात को सुलझाने के लिए DST ईस्ट में कमिश्नरेट स्पेशल टीम को बुलाया गया है। वहीं पुलिस मृतका के आसपास रहने वाले रिश्तेदारों व पड़ोसियों से भी जानकारी जुटा रही है। वहीं 13 हत्याकांड के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। मृतका का पति चेतन सब्जी और नारियल पानी बेचने का ठेला लगाता है। जिस निर्ममता से 13 हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसके पीछे कोई पुरानी रंजिश मानी जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं और खबरों के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए जनता दरबार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।